हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है लाउड टीवी के ऊपर। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय किसान आंदोलन और उससे जुड़ी हुई जो आज के निर्णय थे, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को प्रारंभ करें, हम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपने लाउड टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी नए एपिसोड्स आएं आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और साथ में मेरे अपने जो दो चैनल हैं, न्यूज़ टाइम दिनेश केवोरा और न्यूज़ वर्ल्ड, जिसके लिंक्स नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा दीजिएगा और उसी के साथ में जो लोग निर्भीक होके, बेबाक होके अपनी बात कहते हैं, उनको आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में, हालांकि कभी कभी डर लगता है कि वो बहुत बार आजकल अपनी बातें राष्ट्र के नाम संदेश में ही कहते हैं, संसद में नहीं कहते, कहीं और नहीं कहते हैं। तो आज सुबह सुबह उन्होंने तीन किसानों के जो कानून थे उनको वापस लेने का निर्णय किया। थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं राजनैतिक परिदृश्य और परिस्थितियां देश में इतनी तेजी से बदल रही थी कि ये निर्णय हो सकता है कई लोगों की नजर में अपेक्षित भी था। चुनाव सामने थे, हालात, जमीनी हालात बदल रहे थे और इन्हीं विषयों के ऊपर डिटेल में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी। अखिलेंद्र जी, स्वागत है आपका। अखिलेंद्र नमस्ते। प्रताप सिंह जी, आप उनसे वाकिफ हैं, स्वराज आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। देश में लोकतांत्रिक शक्तियों को वापस लाने के लिए जो जद्दोजहद है उसमें हमेशा वो लगे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ हैं। अखिलेंद्र जी, आज सुबह सुबह मोदी जी ने एक धमाका किया और तीन कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया और उसके अंदर कुछ चीजें जो उन्होंने कहीं अपने संबोधन के अंदर, उनके अंदर वो किसानों की याद की, बहुत सारी चीजों की याद की, किसान शब्द 41 बार प्रयोग किया, देश शब्द 24 बार, सरकार 13 बार, कानून 8 बार, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आंदोलन शब्द एक बार भी प्रयोग नहीं किया उन्होंने अपने भाषण में। इससे एक बात प्रतीत होती है कि वो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करते हैं और उन्हें पता होता है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। आपकी पहली टिप्पणी इन तीन कानूनों को सरकार के द्वारा वापस लेने पर। मुझे जो लगता है सरकार के पास और कन्फ्रंटेशन का रास्ता अब बढ़ाने का रह नहीं गया था, क्योंकि इस आंदोलन का समर्थन केवल सड़कों पर खड़े होकर या बॉर्डर पर धरना देकर बैठे हुए लोगों की हिस्सेदारी से तय नहीं हो रहा था। यह एक ताकत के बतौर, एक अनुभूति के बतौर आम लोगों का समर्थन हासिल किया था इस किसान आंदोलन। और मोदी सरकार को अब यह एहसास हो गया था कि इलेक्टोरल लॉस तो उनका होगा ही, वो आम जनता से अलगाव में जाएंगे अगर किसान जैसी एक भारतीय समाज की एक सामाजिक शक्ति को अगर वो नकारेंगे, तो इस नकार से खुद मोदी सरकार के सामने शासन करने का एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि विश्वसनीयता सरकार की गिर गई थी। इस स्थिति में उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि किसानों के ऊपर जो थोपा हुआ काला कानून तीन है उसको वापस करें, या उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी पर हम कमिटी बना रहे हैं और उस कमिटी से हम जो फैसला होगा उसको ले आएंगे।
बहरहाल सेकंड उनका जो कहना है वो तो वेग है, क्या कमिटी में निकलेगा, क्या टाइम बाउंड है, उसके डिटेल्स तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन तीन कानूनों को वापस करने की जो उन्होंने घोषणा की है वो जन मन स्थिति और जन दबाव के तहत किया है। और अभी भी इस घोषणा में भी देखिए एक चालाकी जी यह दिखाने की है कि कुछ किसान, यानी देश का किसान ऐसा नहीं, कुछ किसान जी इसके विरोध में खड़े हैं, इसलिए हम अपने मन में यह तय किए कि किसानों के पक्ष में मैं फैसला हूं। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए इसका तात्कालिक तो टैक्टिकल रिट्रीट है गवर्नमेंट की, लेकिन ये तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक ये पॉलिसी मैटर में परिवर्तन सरकार नहीं करती, खास तौर पर विश्व ग्लोबल और कारपोरेट कैपिटल, यह सरकार नंगे ढंग से उनकी पक्षधरता करेगी कि किसान समेत जो समाज का सभी हिस्सा है जो इनकी नीतियों से कराह रहा है वह इनके विचार राजनीति में आएगा, यह महत्वपूर्ण सवाल है। और बावजूद इसके इस आंदोलन ने कई चीजें तय की, पार्लियामेंट के ऊपर, जुडिशरी के भी ऊपर जनता की संप्रभुता एक बार फिर स्थापित हो, सरकार, संसद, न्यायपालिका, ये सब जो भी संस्थाएं हमारी हैं उसके ऊपर जनता का शांतिपूर्ण आंदोलन और उसकी जो राजनीतिक सामाजिक संप्रभुता है वह फिर से स्थापित हुई है, इसलिए यह बहुत ही स्वागत योग्य स्थिति है। और आज प्रकाश पर्व के दिन मैं इसका स्वागत करता हूं। जी, यहां पर आपने संसद की बात की तो मैं संसदीय परंपराओं की बात करूंगा। जब कोई कानून बन जाता है तो उसको रिपील करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। कानून की प्रक्रिया को अगर देखें हम, प्रधानमंत्री जी को क्या कहते हैं ना, अकेले फैसले कर कर लोगों के सामने आने में शायद आनंद आता है, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर लॉकडाउन हो या फिर अभी अचानक आगे लोगों को अचंभित करना कि मैंने इसको हटा दिया है, क्या इसके पीछे कोई कैबिनेट मीटिंग, कोई निर्णय, कोई मंत्रिमंडल की बैठक, कहीं कोई आचार विचार, कुछ भी नहीं। एक सॉलिटरी निर्णय लेने की एक परंपरा इस नए लोकतंत्र में है, जहां पर मुझे लगता है कि किसी के साथ कोई विमर्श नहीं होता है और अचानक आके घोषणाएं कर दी जाती हैं और बाद में चूंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको विरोध कर पाए, इस किस्म के निर्णय जो होते हैं वो हमेशा संसद में लिए जाते हैं, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं, तब लोगों के सामने उसको लाया जाता है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी उसकी जरूरत नहीं समझते हैं। कल तक जो कानून काला था, कानून के जो पूछते थे कि इसमें काला क्या है, और आज अचानक से उसको हटा दिया, हैरानी तो होती है। अब इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, नेशनल इंटरेस्ट में लाए थे तब कहा जा रहा था, हटा दिया तो नेशनल इंटरेस्ट में कहा जा रहा है। ये अपनी एक तरह से कहा जाए तो मन मर्जी से कानून लाना और मन मर्जी से हटा देना, 700 लोगों की शहादत हो जाना किसानों की, उस पर एक शब्द भी नहीं कहते अखिलेंद्र जी। देखिए ये एक पर्सनालिटी या मोदी परसोना स्थापित करने की एक कोशिश की गई है कि पूरा भारतवर्ष, पूरी संस्थाएं मोदी के इर्द गिर्द घूमती। और आप जानते हैं विचारधारा के क्षेत्र में तानाशाही इनके वैचारिक स्रोत में है और तानाशाह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है और तानाशाह की जो भी ताकत होती है वह अपने इर्द गिर्द समाज की सभी ताकतें घुमा लेता है। तो मोदी जी की जहां तक फंक्शनिंग की बात है, मैं समझता हूं कि कोई लोकतांत्रिक परंपरा की उत्पत्ति मोदी जी की राजनीति का नहीं है। एक आरएसएस का कैडर
और किस तरह से गुजरात में वो मुख्यमंत्री पद संभाले, और जी 2014 से लेके किस तरह से काले कानूनों के दायरे में हिंदुस्तान को बांध रहे हैं, और ग्लोबल कैपिटल का सबसे ट्रस्टेड आदमी, मैंने जो किसी भी नाम्स को न मानता हो, जो एक देश का प्रमुख होने के बावजूद अमेरिका में जाता हो और वहां के एक सबसे मैंने बड़ा अपने को दिखाने वाले व्यक्ति के साथ उनके चुनाव प्रचार में लगता हो, तो मोदी की जो साइकिल है, जो उनका संस्कार है, जो परंपरा है, दरअसल उसमें इनलाइटेनमेंट नहीं। कैसे एक डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, क्यों इंस्टीट्यूशन का रहना जरूरी, क्यों आंदोलनों को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ये सब बातें जो हमने राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन के बाद तक लंबे समय तक जारी रखा। तो एक पूरी टीम है जो ट्रोल करती है किसी को, जो इनको मानती है, किसी को लगता है कि आजादी 2014 में मिली है, किसी को लगता है कि गांधी ही सबसे बड़े विलेन थे। तो जो जो जिस तरह की ये फोर्सेज हैं, इनसे किसी जवाबदेह भूमिका की हम अपेक्षा नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं मानता हूं, जो किसान आंदोलन है वो कह रहा है कि ठीक है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आप पार्लियामेंट में ले आइए, इस कानून को रद्द कीजिए। किसान आंदोलन ने अभी जो मैंने सुना है, बाद में उनकी बैठक के बाद क्या निर्णय होता है हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि साहब अभी तो हम आपका कानून वाली बात, क्योंकि आपकी नियति में और आपकी नीति में जी जी अखिलेंद्र जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो टेक्निकल डिसरप्शन आ गया है। आजकल आप जानते हैं दर्शक मित्रों कि ये टेक्निकल डिसरप्शन बहुत कॉमन सी चीज है। शायद अखिलेंद्र जी ये कहना चाह रहे थे कि लोकतंत्र के अंदर नियत और नीति दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती है, और कहीं ना कहीं उस बात को जब परिलक्षित करना चाहिए था खास तौर से मोदी जी को, वो उसको नहीं करते हैं। तो एक ही व्यक्ति सारे निर्णय लेता है और तब उसी की वाहवाही होती है, और खास तौर से मीडिया के अंदर भी जब चर्चाएं होती है, इसी को मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाता है, नेशनल इंटरेस्ट में भी कहा जाता है, ये सब चीजें हैं। खैर, मुझे लगता है कि अभी अखिलेंद्र जी का जो हम जो संपर्क शायद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली थी, संपूर्ण कर ली थी। दर्शक मित्रों, किसान आंदोलन की बात ना करना अपने भाषण में, आंदोलन शब्द का एक बार भी उपयोग ना करना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये सब शब्दों का चुनाव जो होता है बहुत समझबूझ के मोदी जी करते हैं, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। ही इज द वन पर्सन हु कम्स वेल प्रिपेयर्ड, आई थिंक। हाँ, मुझे लगता है शायद अखिलेंद्र जी के साथ संपर्क हमारा शायद वापिस हुआ। अखिलेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप तक हमारी आवाज जा रही है? नहीं, अखिलेंद्र जी, जी कोई बात नहीं, हम अपनी बात जारी रखेंगे। और तो दर्शक मित्रों, हम इस ज्वलंत विषय के ऊपर बातचीत करते रहेंगे, और खास तौर से इस विषय के ऊपर और भी जब मेहमान आएंगे या हमारी ओर से जो विवेचनाएं आएंगी, एनालिसिस आएंगे। अल्टीमेटली किसानों की जीत है, एक साल तक उनकी कुर्बानियों की जीत है, 700 किसानों ने जो अपनी शहादत दी है ये उसकी जीत है, लोकतंत्र की जीत है, कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले आंदोलन की ये जीत है। अखिलेंद्र जी के साथ शायद हमारा संपर्क हुआ है। सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, हम आपको सुन रहे हैं। जी, आपने अपनी बात जहां पर हाँ, आप मैं इसे यही कह इनकी रहा पूरी कर था सकते कि हैं। जी दरअसल आज भी ईमानदारी से नीतियों और नीति के संदर्भ में मोदी सरकार या खुद प्रधानमंत्री इसे अभी बदलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए किसान इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है। जी और इसीलिए वो कह रहा है कि भाई, दो महत्वपूर्ण कानून थे, एक तो ये तीन कानून हटाना और दूसरा था MSP ले आना। जी तो ये जब तक इस पर एक टाइम बाउंड और कॉन्क्रीट हमारे सामने रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हमारा आंदोलन कंटिन्यू करेगा। जी तो मैं ये समझता हूं
यह एक विवेकपूर्ण निर्णय है किसान आंदोलन का, जी और अगर उन्होंने इतने दिन संघर्ष किए हैं और ये कानून को जब तक रिपील नहीं हो जाता है और एमएसपी पर ठोस कोई प्रयास नहीं हो जाता, हालांकि राकेश टिकैत को सुन रहे थे, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार वार्ता करे, तो अभी बेसिकली किसान आंदोलन का जो स्टैंड है वह स्टैंड जन आंदोलन जारी रखने का है, और मैं समझता हूं कि उनका स्टैंड अभी करेक्ट है, सरकार को रिपील कर लेना चाहिए। और जो एमएसपी पर कमेटी बनाना चाहते हैं, जो राय है, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है, बहुत फोर्सेज हैं, तो चाहे कम समय में उस कमेटी के बारे में भी फैसला ले सकते हैं। दो और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक जी कहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर, उसको मिनिस्ट्री में बनाए रखने का ऐसे मंत्री का मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता है, और ये शो करता है कि गवर्नमेंट अपने माइंडसेट में कितना जनता के प्रति उदासीन है, उनके जन आंदोलन की मांगों के प्रति कितना उदासीन है। और दूसरा, जो बिजली और पोल्यूशन संबंधी बातें हैं, वो सब एक पैकेज के बतौर क्लिंच हो, तब हम समझते हैं कि किसान आंदोलन को थोड़ी सी राहत मिलेगी। हालांकि यह संघर्ष देखिएगा दिनेश जी, तब तक जारी रहेगा जब तक हम ग्लोबल कैपिटल से फिर अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नेशन का इस्टेब्लिश नहीं करते, हम कारपोरेट के डिक्टेट से हटकर जब तक हम आम अवाम की अर्थव्यवस्था नहीं ले आते, जब तक हम डिमांड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स नहीं विकसित करते, तब तक किसानों को दीर्घकालीन कोई फैसला, उनको फायदा होगा ऐसा अभी हमें नहीं लगता है। तो इसलिए किसान आंदोलन सही दिशा में एक ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, और सरकार अगर ईमानदारी से विचार करना चाहे, केवल इलेक्टोरल कैलकुलेशन अगर दिमाग में है कि अमित शाह को ला दिए पश्चिम में, तोड़फोड़ करेंगे, तो देखिए इलेक्टोरल कैलकुलेशन में वो जितना भी करें अभी किसानों को फिर से भरमा नहीं पाएंगे, क्योंकि किसान किसी के ऊपर विश्वास करता है तो बहुत धीमी गति से करता है, और एक बार जिससे विश्वास टूटता है बहुत लंबे समय तक वह विश्वास को कोई दूसरा हासिल नहीं कर पाता। बिल्कुल सही तो कहा आपने। आम डेमोक्रेटिक मासेज और किसान यह के आंदोलन और उनके मन स्थिति के दबाव में सरकार ने फैसला लिया है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि किसान आंदोलन निष्काबिल रहेगा, कि सरकार को जितने इस तरह के काले कानून है उससे पीछे हटना पड़ेगा, और कारपोरेट की सेवा में देश को उनकी सेवा में लगाने से देश को बचा लेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, किसानों की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है और इसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर अभी बातचीत होनी बाकी है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसान आंदोलन में अभी जान बाकी है, अभी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत भी होनी बाकी है। तो इस विषय पर हम भविष्य में भी बातचीत करते रहेंगे मेहमानों के साथ में। और आज अभी जो बात बेबाकी से अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी ने आपके सामने रखी दर्शक मित्रों, वो वास्तव में ही काबिले गौर है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा और अखिलेंद्र जी का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने लाओ टीवी के लिए अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए। दर्शक मित्रों ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भी लाओ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, और न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा और न्यूज़ वर्ल्ड जिसके लिंक्स नीचे दिए हैं उनको भी जरूर सब्सक्राइब करके निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता को आप बढ़ावा दीजिए। दर्शक मित्रों हमें दीजिएगा आज्ञा, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।